गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओपन योर साइंस बुक चैप्टर नंबर 19। पिछली क्लास में इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे बच्चों एयर पॉल्यूशन के बारे में, हाउ आवर एयर गेट पॉल्यूटेड। ये आपको बताए थे एयर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस फॉर सर्वाइव, वी नीड एयर। जितने भी लिविंग थिंग है उसको सर्वाइव करने के लिए एयर की जरूरत होती है। लेकिन आजकल ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज के कारण कुछ ऐसे एयर को क्या कर दिए हैं, पॉल्यूटेड कर दिए हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारा एयर पॉल्यूटेड हो गया है। तो जो पॉल्यूटेंट वैसे सब्सटेंस, इसके बारे में भी आपको बताए थे कि पॉल्यूटेंट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जिसके द्वारा हमारा एयर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ये कुछ मेजर पॉल्यूटेंट हैं जो कि मेन सोर्सेज हैं ऑफ एयर पॉल्यूशन। दीज आर द सम पॉल्यूटेंट विच आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसी के कारण हमारा एयर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है बच्चों। जैसे नंबर फर्स्ट, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के द्वारा। सेकेंड नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। इसके द्वारा ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जिसके द्वारा हमारा एयर पॉल्यूटेड हो जाता है। थर्ड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ठीक है, नंबर फोर, अमोनिया के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, लेड के द्वारा। तो ये सारे इतने कुछ पॉल्यूटेंट हैं, मेजर पॉल्यूटेंट हैं, जिसके द्वारा हमारे एयर क्या हो जाते हैं बच्चों, पॉल्यूटेड हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों को जो रिलीज होते हैं, कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस से रिलीज होते हैं इस तरह के गैसेज जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही पॉइजनस है, उनको रोक करके, कम यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एयर को पॉल्यूशन पॉल्यूटेड होने से रोक सकते हैं। तो ये हो गया कुछ मेजर पॉल्यूटेंट के बारे में हम आज आपको बताए, इसके कारण ही क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूटेड हो जाता है बच्चों। ठीक है, और हम लोगों को अपने एयर को क्या करना है, पॉल्यूशन से बचाना है बच्चों, क्योंकि एयर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, वी कांट सर्वाइव विदाउट एयर। इवन एक सेकेंड भी एयर नहीं हो तो हमारा सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए मेजर पॉल्यूटेंट के बारे में जो हमारे एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब इसी टॉपिक को और डिटेल में और अच्छे से आप बुक्स में दिए हुए हैं, इसको ठीक से आप क्लास अपने घरों में स्टडी कीजिएगा बच्चों। ठीक है, आगे का नेक्स्ट और इसके बारे में कुछ और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।